सो फाइनली गाइज हम ऊंचा कोटड़ा पहुंच गए। ये ऊंचा कोटड़ा की मार्केट है और मार्केट में हम एंटर कर चुके हैं और अभी फुल ऑन रोड ढलान वाला है, ऊपर चढ़ रही है गाड़ी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ऊंचा कोटड़ा और इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है माँ चामुंडा का मंदिर। जो ये मेरे पीछे है वो मंदिर है। सो चलिए, और यहाँ पर है ना समुद्र एकदम नजदीक है, तो वहां पर भी जाके आएंगे हम लोग। समुद्र ओके वैसा। सो चलिए दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो वहां पर शूट होगा नहीं। यहाँ पर मार्केट बहुत तगड़ी है, तलवार मिल रही है, पुलिस के डंडे मिल रहे हैं, लाठी मिल रही है। ये तो देखो, ओ वाओ, है ना, चाकू तो देखो, बस मेरे को ये वाली पसंद है गाइस। मस्त मस्त चाकू है गाइस, कितनी मस्त मस्त चाकू है। और ये वाली तो देखो गाइस, आप लोगों को मैं ऊंचा कोटड़े की मार्केट घुमाता हूँ। यहाँ पर भगवान का सामान भी है। नवरात्रि में गए हैं यहाँ पर, सबसे प्योर और सबसे अच्छा। धूप छे, धूप में कलर हुआ मेरे। गाइज इतना प्यारा में वो है, सब सामान यहाँ पर। और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के। गाइज अगर आप ऊंचा कोटड़ा आते हैं तो यहाँ मार्केट बहुत बढ़िया है। अगर आपको भगवान का कोई भी सामान लेना है, चूनर लेना है, क्या बोलते हैं, चूनर लेना है, आप दर्शन करके आगे। मौलिक जी हीना जी आप जाके दर्शन करके आइए, मैं भी आ रहा हूँ ना। तो ये सामे जी ने बदा दूर तुम जोई सको छो, मानसो त्या छे। શું કામ તમને ખબર, ત્યાં કાળિયા ભીલ કરીને એની કોઠીઓ, મતલબ કે જે વસ્તુ લઈને આવતો ને એને સંગ્રહવા માટે, ત્યાં એની વસ્તુઓ રાખતા। એવું કહેવાય છે કે માતાજી એને સ્વાઈ હતા, અને એક આપણે અલીબાબા 40 કરોડમાં જોયું ને કે અલીબાબા ઉડીને જાતી જે છાલ, એને એક ચાદર આપવામાં આવી હતી જે પાણીમાં દરિયામાં હાલે। જે કોઈ બે નંબરના ધંધા કરતા, જેમ કે ખોટી રીતના જેમ ધંધો કરતા હોય ને, વાણવટું કરતા હોય ને, એનો સામાન ચોરીને આવતો ને એ કોટડીમાં ભરતો, જ્યાં અત્યારે આપણી જે સરકારે છે ને ત્યાં પાળી કરી દીધી છે, ત્યાં કોઈ જોવા નથી જવા દેતા। પણ આ માતાજીની કહાની છે કે કાળિયાબીલને સાંઈ હતા એવું। तो फाइनली ऊंचा कोटड़ा के दर्शन भी हो चुके हैं और अब मैं और मेरा परिवार आगे बढ़ते हुए, हमारी दोनों गाड़ियाँ ठीक है आगे बढ़ते हुए, अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। अंदर जाके पूछेंगे भैया से कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है हम गोपनाथ जाने वाले हैं। गोपनाथ वहाँ पर भी समुन्दर है, यहाँ पर भी आपने देखा समुन्दर है बढ़िया सा, पर यहाँ पर दीवार बना दी गई है तो आप उस साइड जा नहीं सकते हो वैसा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं सफर में। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो अपने नसीब में नहीं सर। ओह माय गॉड गाइस, कितना स्टीप है देखो तो सही। ओहो, कितना स्टीप है, चढ़ते समय पता नहीं चला पर उतरते समय पता चल रहा है।
यहाँ से ऊंचा कुटड़ा का जो दरिया है ना, मतलब बीच जो बोलते हैं, वहाँ जाने का रास्ता है जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। विलेश्वर का मंदिर भी आया, विलेश्वर महादेव, विलेश्वर महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर, विलेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ से। सो फाइनली हम गोपनाथ पहुंच गए। अगर जो आपको वो जो लाल 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 दिख रहा है वो है वॉच टावर। तो गाइज हम आ चुके हैं जगा भाई की होटल, चामुंडा होटल है नाम। और कुछ महीनों पहले, सालों पहले हम यहाँ पर ही खाना खाने आए थे। सो हमारा पूरा परिवार पहुँच गया है, सब लोग उतर गए हैं गाड़ी से, धीरे धीरे उतर रहे हैं। सो गाइज बस अब यहाँ पर अब हम लंच करेंगे, उसके बाद हम गोपनाथ घूमने जाएंगे। और पहले अभी पेट पूजा, बहुत भूख लगी है सबको। सो यहाँ लंच टाइम भी हो ही गया है जैसा सब लोग बोल रहे हैं, तो यार लंच टाइम हो गया तो लंच कर लेते हैं। पर आप गुम हो गए तो? बा बिचारे कब से थक गए थे, बा बिचारे गाड़ी में परेशान हो गए थे। वो लोग आ रहे हैं पीछे, हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई है यहाँ पर। फाइनली दादा वगैरह पहुँच गए। बहुत धूप है भाई यहाँ पर, बहुत मस्त मौसम है। रेस्टोरेंट देखो कितना बड़ा सा पेड़ है, फिर यहाँ पर वैसा है पूरा। हम भाविक जी एंट्री लेते हुए, और उसके पीछे रमणीक काका, दादा सीताराम दादा। रोड खराब है तो नहीं? सो फाइनली पूरा परिवार खाने पे बैठ गया है। मक्खन आ गया है, बटर पापड़। मेरी मम्मी अलग इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके ससुर जी बैठे हैं दादा, और मेरी मम्मी उनका घूंघट निकालती है आज भी। और ये देखिए ये मैडम को खा पी के फिर बात करता हूँ, अभी खाना खा लेते हैं ठीक है। सब लोग बैठ चुके हैं वहाँ पर। मस्त है, टिक्का है खाना एकदम, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। बाजरे का रोटला, रोटी एंड पराठा। ये मम्मी बैठे है और बा यहाँ पीछे, क्योंकि वो चेयर पे बैठ नहीं सकते इसलिए। खाना हो गया है, सबने खाना खा लिया है, अब सब आराम कर रहे हैं। सो गाइस हमारा लंच हो गया है, अभी यहाँ पर आराम से चारपाई पे बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर हम निकलेंगे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है इसलिए। नाश्ता हो गया, आराम हो गया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। दादा वगैरह ने भी पेड़ के नीचे आराम कर लिया, लंच हो गया। अब बा को लेके मौलिक गया है और ये बढ़िया से रेस्टोरेंट को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। चलिए चलते हैं। हीना को झूला झूलना है पर क्या करे, बेचारी झूल नहीं पा रही है।
હમણાં જઈ હેલો હમણાં ગોપના નહીં થયા અમે છે તો કઈ આપવું નથી અહીંયા બાજુમાં છે.